Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Amma and I'm back with yet another video. So 2021 November में मैंने अपना keratin treatment करवाया था and that was the first time that I got my keratin treatment done और I realized that वैसे बहुत सारे points होते हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं. कोई चीज़ आपको ज़रूर करनी ही होती है, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है. और ये अगर आपको starting से clear हो तो फिर आपका जो keratin treatment का journey है वो काफ़ी ज़्यादा pleasant रहेगा और काफ़ी long lasting भी रहेगा आपके लिए. Make sure that you watch the complete video अगर आप keratin treatment करवाने वाले हैं या फिर आपने keratin treatment करवा लिया है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किन चीजों पर ध्यान रखना है. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है लोगों का वो ये होता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए आफ्टर द केराटिन ट्रीटमेंट. सो जो आपके स्टाइलिस्ट होते हैं जिन्होंने आपका केराटिन ट्रीटमेंट किया होता है, वही आपको सजेस्ट करते हैं फ्रॉम द सैलून कि आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहिए. बट जनरली स्पीकिंग द प्रोडक्ट्स दैट यू शुड यूज शुड बी सल्फेट एंड पैराबेन फ्री. क्योंकि सल्फेट्स और पैराबेंस क्या करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिपिंग होते हैं और बालों से सब कुछ स्ट्रिप ऑफ कर लेते हैं. तो जो आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया कोई भी और ट्रीटमेंट करवाया उसको भी बहुत जल्दी बालों से स्ट्रिप कर देंगे, निकाल देंगे. तो आपका केराटिन ट्रीटमेंट उतनी ही जल्दी बालों से निकलने लग जाएगा और आपके बाल दोबारा पहले जैसे होने लग जाएंगे. तो मेरे स्टाइलिस्ट ने इसी प्रोडक्ट से, दिस इज ब्राज़ील काकाओ, इस प्रोडक्ट से मेरा ट्रीटमेंट किया था केराटिन ट्रीटमेंट. और यही वाले प्रोडक्ट सजेस्ट किए थे, द शैम्पू एंड मास्क नंबर 1 एंड नंबर 3. तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी और प्रोडक्ट जो कि सल्फेट फ्री होते हैं एंड बहुत माइल्ड होते हैं, मेंट फॉर स्पेशली ट्रीटेड हेयर लाइक केराटिन ट्रीटमेंट, वो यूज़ कर सकते हैं. बट माई फर्स्ट सजेशन वुड बी कि आप अपने स्टाइलिस्ट से पूछें, और अगर आप उससे नहीं पूछ सकते तो आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि माइल्ड हो, सल्फेट फ्री हो, केराटिन रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग वाले हेयर के लिए बना हो. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपको जो हेयर वॉश है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम रखनी है. हेयर वॉश की फ्रिक्वेंसी कम करने से मेरा मतलब है कि आपको वीक में बहुत कम या एक या दो बार अपने हेयर वॉश करने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेयर ट्रीटमेंट है, केराटिन ट्रीटमेंट है, वो ज़्यादा लंबा चले. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो केराटिन की लेयर होती है हमारी, हर एक बालों पर केराटिन की लेयर चढ़ाई जाती है, और उस लेयर को जितना ज़्यादा प्रिजर्व करेंगे वो लेयर जितनी देर तक हमारे बालों पे टिकेगी उतना ही ज़्यादा लंबा हमारा केराटिन ट्रीटमेंट बालों पे टिकने वाला है. इसीलिए जो बालों की फ्रिक्वेंसी है वॉश करने की वो बहुत कम रखें, एक या दो. मैंने खुद ये किया था, मेरे जो स्टाइलिस्ट ने कहा था कि 2 से 3 मंथ ही आपके बालों पे केराटिन ट्रीटमेंट टिकने वाला है, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फ्रिजी और कर्ली थे. क्योंकि मैंने फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉश बहुत कम रखा तो मैंने देखा कि जो मेरा ट्रीटमेंट था वो स्टाइलिस्ट के बताए हुए टाइम से ज़्यादा लास्ट कर गया. सो दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि विंटर्स में तो ये करना फिर भी थोड़ा समझ में आता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन समर के टाइम में ना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर पीपल हु डू लॉट ऑफ वर्कआउट या फिर गो टू जिम या फिर ट्रैवल करते हैं. मेनली स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पसीना और गंदगी हो जाती है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप बिल्कुल अवॉइड ही नहीं कर सकते हेयर वॉश को, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काम कर सकते हैं कि आप सिंपल पानी से अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें, शैम्पू ना यूज़ करें ऑन अ रेगुलर बेसिस. वीक में एक दो बार यूज़ कर लें चलेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा है कि हर दूसरे दिन आपको हेयर वॉश करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द डस्ट एंड डर्ट एंड स्वेटिंग एंड ऑल, तो आई वुड सजेस्ट सिर्फ पानी से अपने स्कैल्प को अच्छे से वॉश कर लें. और अगर आपको लगाना है आप हल्का सा स्कैल्प में लगा सकते हैं शैम्पू, लेंस पे ज़्यादा शैम्पू यूज़ ना करें. वीक में सिर्फ एक दो बार लेंस पे यूज़ करें शैम्पू. दिस विल इंश्योर कि आपका जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा चले. अभी रिसेंटली किसी ने मुझसे पूछा था कि मेरे बालों में केराटिन कराने के 2-3 दिन बाद ही वेव्स और बैंड्स आ गए हैं. तो बेसिकली ये एक बहुत बड़ा नो नो होता है कि आपको केराटिन करवाने के तुरंत बाद एटलीस्ट 4-5 डेज तक तो आप बिल्कुल भी कोई अपने बालों को बांधो मत, चोटी मत बनाओ, टाइटली पिन मत करो, पिन करो ही मत. मतलब कि कहीं भी अगर बैंड आ जाएगा आपके बालों में तो वो चीज़ परमानेंट हो जाएगी. मतलब जितना भी आपका केराटिन ट्रीटमेंट चलेगा वो पर्टिकुलर बैंड वहाँ पर हो जाएगा, बालों में वेव्स आ जाएंगे. आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. मैं फर्स्ट 4-5 डेज तो मैंने बिल्कुल अपने बालों पर कोई भी पिन क्लिप कुछ नहीं लगाया था. इट वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरीटेटिंग इन द बिगिनिंग, बट आई स्टिल डिड इट somehow. सो मेक श्योर कि आप अपने बालों को बांधे ना, टाई ना करें. कहीं भी अगर बैंड आएगा स्पेशली फर्स्ट 2-3 डेज तो बिल्कुल भी मतलब आप अवॉइड करें कुछ भी अपने बालों पे लगाना, दैट वुड बी बेस्ट. मैंने बचपन से अपने बालों पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की है और मेरे बाल कुछ ऐसे है ना, बिना ऑयलिंग के काम ही नहीं चलता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कर्ली और फ्रिजी रहते हैं. तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ऑयल लगाना ज़रूरी होता है, एंड इवन माई स्कैल्प इज़ ड्राई, सो उसके लिए आई प्रेफर ऑयलिंग. लेकिन मेरे स्टाइलिस्ट ने सख्त मना कर दिया था कि 1-2 महीने तक तो आप ऑयलिंग बिल्कुल मत करना. होता क्या है, जितना ज़्यादा आप ऑयल लगाएंगे ना
वॉश करते वक्त आपको उतना ज़्यादा शैम्पू वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो आपके केराटिन जो लेयर है बालों पे उसको अफेक्ट कर सकता है। आपको ज़्यादा शैम्पू लगाना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा शैम्पू लगा के आपका केराटिन ज़्यादा जल्दी निकल जाएगा। तो इस वजह से ऑयलिंग एक दो मंथ तो अवॉइड की जाती है, उसके बाद आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारा डैंड्रफ या हेयर फॉल हो जाता है तो हम ज़्यादा कुछ अपने बालों पर अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक आई सेड, हमारे बालों पर केराटिन की लेयर होती है जिसके साथ हम ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप कुछ ऐसा लगाएं जो कि आपके स्कैल्प को हील करे लेकिन वो आपके बालों के जो केराटिन लेयर है उसको ना छेड़े। यू कैन अप्लाई एलोवेरा जेल ओनली ऑन द स्कैल्प और आप उसे रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। एंड एज आई सेड, उसे पानी के साथ वॉश कर दें तो इससे आपका जो डैंड्रफ है वो भी ट्रीट होगा और आपका जो केराटिन का लेयर है बालों पे वो ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा। हेयर ऑयल, हेयर DIY, हेयर सीरम्स और हेयर मास्क को हम कब लगा सकते हैं? तो आप हेयर सीरम्स और जो हेयर मास्क होते हैं जो कि मार्केट में मिलते हैं हेयर मास्क, वो वाले हेयर मास्क जैसे लॉरियल का आता है जो कि आपको शैम्पू के बाद यूज़ करना होता है, वो वाले आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट जो DIYs हैं या फिर जो ऑयल्स हैं जो आपके बालों में बहुत हैवी होता है उसको आप एक दो मंथ तक एटलीस्ट अवॉइड करें तो वो आपके केराटिन को लॉन्ग लास्टिंग रखेगा। अगर आपके स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है तो कम से कम फिर भी एक मंथ तो आप बिना ऑयल के रहिए और उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने स्कैल्प में यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं बट कम इंटेंसिटी से, आपको बहुत ज़्यादा हैवी ऑयलिंग नहीं करनी है। तो ये थे कुछ सजेशंस और टिप्स आपके केराटिन ट्रीटमेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। मैंने केराटिन ट्रीटमेंट के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर किया है इन द केराटिन ट्रीटमेंट Q&A सीरीज। यू कैन चेक दैट आउट इन माय चैनल प्लेलिस्ट। केराटिन ट्रीटमेंट के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें केराटिन ट्रीटमेंट से रिलेटेड कई वीडियोज़ हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क इट अवे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। That's it for today, you guys. I hope that this video was helpful for you. आपका कोई और question है, you can drop it down in the comment section below. I will definitely try to answer it for you. See you in the next video. Till then, bye-bye.